Alright guys, welcome back to again with a new crazy another vlog. मतलब आज का vlog का शुरुआत फिर से यहाँ से हो रहा है. एंड मैंने अभी तक मतलब भाई सच बता रहा हूँ ना, 90 डेज का चैलेंज भाई हार गया एकदम से. और मैं स्टार्ट करा हूँ आज से 75 डेज चैलेंज. मतलब मैं भाई 90 डेज चैलेंज हार गया. मतलब भाई मैं ना कंसिस्टेंसी मतलब कर नहीं रहा था अपने 90 डेज के चैलेंज को. और मैंने सोचा भाई ऐसे नहीं होगा, 75 डेज फिर से हार्ड चैलेंज एक ले लिया है. एंड भाई देखते हैं इस चैलेंज को कैसे हम मैनेज करते हैं एंड कैसे क्या करेंगे. भाई मेरे को ना बहुत मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा सीन बन चुका है ना जो आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ भाई. मतलब छोड़ो यार. और आज जाएंगे भाई थोड़ा सा घूमने के लिए 4 साढ़े 4 बजे. 4 बजे ट्रेन है तो ट्रेन से जाएंगे हम. और मैं अकेला जाऊंगा, आई थिंक ऑलमोस्ट अकेला ही जाना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि कोई नहीं जाएगा तो मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा. और भाई अकेला अब जाना सीख गया हूँ. मतलब जाना मतलब क्या भाई, अकेला जीना भी सीख गया हूँ. तो चलो भाई जाते हैं अपने घर की तरफ. एंड ब्लॉग को कंटिन्यू यहाँ से कर रहे हैं. एंड ब्लॉग मतलब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई. एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना. एंड धमाके यहाँ से निकलते हैं भाई. फाइनली भाई माइंड फ्रेश करने के लिए हम तो यहाँ पर आ चुके हैं. एंड वैसे तो इसका नाम है भाई झालवाड़ वेयर. एंड यहाँ से निकलने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं, पर जाएंगे जहाँ भी हो. एंड उसके बाद हमारी जो मतलब एक चलो. एंड यहाँ से देखते हैं कहाँ पर जाते हैं, कहाँ का सीन होते हैं. मतलब मेरे को थोड़ा सा यहाँ का मतलब घूमने का प्लेस पता है तो वहाँ पर जाएंगे. एंड ब्लॉग को तो कंटिन्यू करेंगे. एंड यहाँ पर भाई माइंड फ्रेश लग रहा है बहुत ज़्यादा भाई, बहुत क्लियर हो रहा हूँ भाई. यहाँ पर हर जगह मतलब एक अलग निशानी. मतलब क्या भाई, हमारे वहाँ तो इतना ज़्यादा मतलब हरियाली वगैरह नहीं है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली वगैरह है. देख लो भाई बहुत ज़्यादा हरियाली वगैरह. मतलब यहाँ का सीन ही कुछ मतलब आप अगर घूमने आओ यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस मिल जाएगा आपको घूमने के लिए. एंड वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश क्यों लगेगा मैं बता देता हूँ. क्योंकि यहाँ पर भाई देख लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं भाई, ग्राम वगैरह होते हैं ना, तो वैसा लगेगा. अभी तो फ़िलहाल हम स्टेशन से कुछ दूर आ चुके हैं, पर टाइम पर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि भाई टाइम पर नहीं पहुंचे तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेन छूटने के चांस हो जाएगा. एंड मेरे को वो जाकर ट्यूशन भी जाना है तो वगैरह वगैरह करने के लिए मेरे को एकदम मतलब सही टाइम पर ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा यहाँ से तो. एंड वैसे भाई फील ले लो यार. एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ भाई, यहाँ पर आप अगर आओगे या फिर वीडियोस वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर फ़ोटोशूट का बहुत ज़्यादा प्लेस मिलेगा. एंड वाकई आपको मतलब वीडियो मतलब क्रिएट करने के लिए भी कुछ चांसेस मिल जाएगा, जहाँ पर आप सिनेमाटोग्राफी एकदम अच्छी तरीके से कर सकते हो. मतलब अच्छी तरीके से मतलब क्या भाई, मतलब एक अलग फील देगा आपके सिनेमाटोग्राफी को. और मैं यहाँ पर आने वाली हूँ कुछ दिन बाद, क्योंकि मेरे को सिनेमाटोग्राफी थोड़ा बहुत लेना है. ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब क्या भाई, मतलब सिनेमाटोग्राफी जो हमारा जो शॉर्ट फिल्म का जो प्रोजेक्ट चालू है तो उसके लिए कुछ सिनेमाटिक्स वगैरह लेना पड़ेगा. एंड मेरे को कैमरामैन को लाना पड़ेगा, क्योंकि कैमरामैन नहीं आएगा तो भाई होगा नहीं. एंड यहाँ पर पकड़ने के लिए भी किसी को मतलब चाहिए भाई. ट्राईपॉड से हम कितनी वीडियो करेंगे, मतलब मूवमेंट करना है भाई. कैमरामैन को मतलब ले आना पड़ेगा. और वाकई में रोनिक को बोलकर देखती हूँ भाई आते हैं कि नहीं, नहीं तो भाई किसी और को ढूंढना पड़ेगा और पैसों से कराना पड़ेगा बेहतर. और राइट, सो यहाँ से निकलने वाली हूँ. एंड भाई मतलब कुछ माइनस पॉइंट वगैरह दिखा, मतलब नेगेटिविटी भी थी एंड पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थे. एक भैया को मिल गया था, मतलब राइडिंग वगैरह करता है वो. एंड उसका फ़ोटो वगैरह कुछ क्लिक कर दिया. एंड उसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी किया है. एंड भाई नया
मतलब मेरा नया सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो भाई अच्छा लगता है जब कोई मेरा चैनल के बारे में बोलते हैं ना, एंड भाई उसने विश कराई भाई मेरा आगे भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह होगा, बहुत कुछ मेरे लिए वेट कर रहा है, अच्छा लगता है भाई। एंड माइनस पॉइंट भी थे बट पॉजिटिव पॉइंट के हाय भाई। सो मतलब नेगेटिविटी के साथ भाई पॉजिटिविटी अब आता है ना भाई, नेगेटिविटी एकदम काम नहीं करता है भाई। मैं नेगेटिविटी पर ध्यान ही नहीं देता हूँ भाई, पॉजिटिविटी पर ध्यान देता हूँ, एंड मैं जो करना चाहती हूँ वो तो करूँगा ही, कोई नहीं रोक सकता है भाई ऐसे। अभी तो मतलब स्टेशन पर जाने वाले, एंड स्टेशन पर जाकर ब्लॉग नहीं कर सकते क्योंकि भाई आप लोगों को पता है भाई एक चीज स्टार्ट हुआ है, हम लोग ट्रेन पर या फिर प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो स्टेशन की मतलब स्टेशन के लिए डेंजर हो, ठीक है। तो चलो जाते, तो भाई लोग आज का ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहाँ पर, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, और अगले ब्लॉग कल सुबह से स्टार्ट होगा। आप लोगों को पता है भाई, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को।